Differences. Today I am going to start third chapter of physics, that is electricity. अब हमने अपना physics का unit first, that is light, इसको complete कर लिया है और आज से हम अपना नया chapter electricity को start कर रहे हैं. Then let's start. Electricity. Electricity means basically we can say that it is the presence और फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, कोई मटेरियल है या तो उसमें चार्ज प्रेजेंट हो या तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं. और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड पार्ट जो है वो हो जाता है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज तो होंगे, है ना, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं दैट रेस्ट पोजिशन, वो रेस्ट पोजिशन में ही होते हैं. और करेंट रेस्ट पोजीशन में होने का मतलब है कि चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकते, जबकि करेंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. नाउ अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है. जैसे एक प्लास्टिक स्केल लीजिए, उसको अपने आप ऑलरेडी कर भी चुके हो शायद. एक प्लास्टिक स्केल को अगर आप अपने गियर पे रब करते हैं तो क्या करता है, उसमें एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है. अगर हम उसको बिना गियर में रख के बॉक्स से निकालें और डायरेक्टली कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ ले जाएं तो क्या वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं. जब हम उसको अपनी गियर पे रब करते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. ठीक है, और उसमें एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड इट्स सेल्फ, टुवर्ड इट्स सेल्फ, है ना. अब होता क्या है, जब हम प्लास्टिक स्टील को रब करते हैं एयर में तो वो क्या होता है, उसमें वो चार्ज हो जाता है, बट उसमें जो भी चार्ज होते हैं ना, जिधर हम रब करते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. ये बेसिक डिफरेंस होता है. और हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है क्लास टेंथ में, वो हमें क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ना है. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज का फ्लो पढ़ेंगे. तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है. तो हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर है. मैटर में क्या होते हैं, मैटर हो गया, सब्सटेंसेस हो गए. वी ऑलरेडी नो कि मैटर में जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. और न्यूट्रॉन्स पे क्या होते हैं, न्यूट्रल, जिनपे कोई चार्ज नहीं होता. अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं ना. अब ये कूलम्ब क्या, तो कूलम्ब जो है एस आई यूनिट ऑफ चार्ज. पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसको रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर इट. ठीक है, सबको हमेशा याद रखना है कि एस आई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब. और इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से. जबकि चार्ज को किससे डिनोट करेंगे हम,
यू, ठीक है। अब होता क्या है, अगर बेसिकली जो चार्ज होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, है ना। अब अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ जाए तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे ना, और अगर दो नेगेटिव हों तो ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव हो या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, देयर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप अगर बात करें में आगे आएगा आपका कंडक्टर क्या होते हैं, आप इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। हम बात करें अगर कंडक्टर की और इंसुलेटर की बात करें तो कंडक्टर क्या होता है, अगर हम कोई भी सब्सटेंस लें, ऑब्जेक्ट लें कोई भी, उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, तो इसमें होने को न्यूट्रॉन्स भी होंगे। बट वी हैव टू टॉक अबाउट चार्जेस ना, हमें चार्ज के बारे में बात करना है, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। अब रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री फ्री हैं टू मूव, कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हैं, इधर मूव करने का मतलब इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, तो ये मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर होगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तब ये मटेरियल क्या होगा, इंसुलेटर होगा। मतलब कंडक्टर का मतलब क्या है, बेसिकली इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर, वेयर एज इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। ये रहा हमारा आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट, चार्ज का, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। अगर कंडक्टर की एग्जांपल्स थे, किसी भी कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स दीजिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कंडक्टर्स को हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, घरों में जो हम वायरिंग में कॉपर वायर यूज करते हैं, तो कॉपर है वायर क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि प्लास्टिक है, रबर है, तो वो क्या है, हमारे इंसुलेटर्स हैं। अगर हम देखते हैं जो कॉपर वायर होते हैं या एल्यूमिनियम वायर होते हैं, वो तो कंडक्टर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कवर होती है रेड कलर की होती है या फिर ग्रीन कलर की होती है, तो वो क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट दैट बाई यूनिट ऑफ करंट, या फिर पूछ लिया जाता है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, मतलब करंट की जो यूनिट है एम्पियर, उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से अराइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज रेट लग गया, इट मीन्स दैट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कंडक्टर में जो भी चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम क्या हो गया हमारा टी से। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम देखें क्यू, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो कूलॉम्ब पर सेकेंड या फिर हम बोल सकते हैं एम्पियर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलॉम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है आपका, डिफाइन वन एम्पियर। तो करंट हमारा वन एम्पियर की कब होगा, करंट जो है वो वन एम्पियर कब होगा, जब चार्ज कितना होगा वन कूलॉम्ब होगा और टाइम कितना होगा वन सेकेंड होगा। मतलब अगर किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में वन सेकेंड में वन कूलॉम्ब चार्ज फ्लो रहे हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर इज वन एम्पियर, ठीक है। तो वन एम्पियर की डेफिनेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, इफ वन कूलॉम्ब ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड, ठीक है। अगर एक सेकेंड में किसी कंडक्टर में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वन कूलॉम्ब चार्ज फ्लो हो रहे हैं, देन द करंट इन दैट कंडक्टर इज वन एम्पियर। तो इस कंडक्टर में कितना करंट होगा, वन एम्पियर होगा। अब अगर करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर किससे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से, तो एमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीटर। और इसको सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। बेसिकली करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना मीन्स चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम इज करंट। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, चार्ज को किससे, क्यू से, टाइम को किससे, टी से। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, करंट वन एम्पियर कब होगा, जब चार्ज वन सेकेंड में वन कूलॉम्ब चार्ज फ्लो होगा, तो करंट हमारा कितना होगा, वन एम्पियर होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो एमीटर से। एमीटर को सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके इलेक्ट्रिक करंट पे 1-1 मार्क्स में एमसीक्यूज में या 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम टू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलॉम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब। तो अगर सिंपली लिख सकते हैं हम, अगर चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब रहता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, है ना,
वन इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। और पूछा है अगर चार्ज हमारा 1 कूलॉम है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम सिंपली यूनिटरी मेथड लगा देंगे। इफ चार्ज इज 1 कूलॉम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे 1/1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻¹⁹ ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1.6। और ज़्यादा सॉल्व करें हम तो 10⁻¹⁹ को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻¹⁸ अपॉन, ये डेसिमल हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा 100। 16 से 100 को डिवाइड करेंगे सिग्मा 10⁻¹⁸ × 16 मतलब कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलॉम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कंसीव होंगे 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कितना करंट से ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्या गिवन है, तो क्या गिवन है हमें करंट गिवन है कितना 0.5 एम्पियर। आगे ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, कितने टाइम के लिए 10 मिनट, टाइम कितना गिवन है हमें 10 मिनट। अब सिंपल आप देखिए करंट आपको SI यूनिट में गिवन है तो हम टाइम को भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो कितना आ जाएगा 600 सेकंड। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज क्यू दैट फ्लोज थ्रू द सर्फेस। तो वी ऑलरेडी नो दैट I इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन T होता है, I ऑलरेडी गिवन है, T ऑलरेडी गिवन है, वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q फाइंड करना है कितना हो जाएगा I इंटू Q। अब I करंट कितना गिवन है 0.5, टाइम कितना गिवन है 600, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 कितना हो जाएगा 300। चार्ज की यूनिट कितनी होती है, तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलॉम। ये हो गया हमारा नंबर।